हेलो दोस्त, आज के वीडियो में हम अमानत के महत्वपूर्ण फॉर्मूला यानी सूत्र पे बात करेंगे। ये सूत्र जो देख रहे हैं, लिख लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको इसको बारीकी से समझना होगा। और आपको इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे। तो देखिए, पहले हम खुद अपने बारे में आपको बता देते हैं। तो हम ट्रेनिंग इंचार्ज भी हैं, और हम जो स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दे के हम उसको सेंटर में भेजते हैं। तो एक मंथ में ऑफलाइन में 1500 स्टूडेंट को करीब हम प्रशिक्षण देते हैं, और कम से कम 5-6 सेंटर चलता है ऑफलाइन में, ठीक है। और हम आपको बता दें कि मेरा जो है यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह चलता है। और मेरा संस्थान जो है 45 दिन, 6 मंथ और 1 ईयर का डिप्लोमा टाइप कोर्स कराती है, यानी समझिए कोर्स कराती है। और हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कहीं देखे और जाके आपको हम बता रहे हैं, नहीं, ये खुद का एक्सपीरियंस है, खुद हम ट्रेनिंग लिए हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है तब जाके दे रहे हैं। बहुत व्यक्ति ऐसे देखे हैं यूट्यूब पे, वो वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नॉलेज गलत देते हैं और उनको खुद नहीं पता है कि हम नॉलेज गलत दे रहे हैं, ठीक है। और हम आपको उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं, गाइड करते हैं कि आप नॉलेज या ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो भी आपको लेना है उन किसी से, तो उन व्यक्ति से लीजिए जो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे किसी का संस्थान चलता है, वाकिफ में वो ट्रेनर है, वो वैसा उनके पास पर्सनैलिटी है, तब जाके लीजिए। अभी हम आपको क्लास रूम में पढ़ा रहे हैं, वो अलग सी बात है कि क्लास रूम में पढ़ा रहे हैं। ऐसे मेरा लाइव चलता है, देखिए उसमें एक बैच में यानी एक सेंटर पे एक बैच में 300 से 250 स्टूडेंट रहता है, और उसको प्रशिक्षण देते हैं। आप जो मेरे वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा मेरे बारे में, ठीक है। तो आप उन्हीं से नॉलेज लीजिए जिनके पास नॉलेज है, ठीक है। पैसा कमाने के चक्कर में जैसा तैसा वीडियो बना के डाल देते हैं, वो वीडियो वायरल हो जाता है तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाता है। वो सब्सक्राइबर देख के नहीं जाइए, क्योंकि उसका बहुत सारा वीडियो जो है सो वाकिफ में जो है ना गलती है। जैसे लगी कमान को ले लीजिए, सिंपल सा, तो वो बताता कि हर जगह ये होगा, उसको नॉलेज नहीं है, वो कहीं देख लिया अपना एरिया का, उसी एरिया से बताने लगा। ऐसे ऐसे बहुत सारा गलती हो जाता, मतलब गलती अक्सर करता है। तो इसलिए आप उसी से नॉलेज लीजिए जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति है सो अच्छा खासा सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वाकिफ रूप से वो उस चीज़ से जुड़ा नहीं है, वो अनेक प्रकार का वीडियो बना देगा, जिसमें देखिएगा तो अनेक प्रकार का वीडियो बना देगा और अनसन सब डाल देगा। उस पैसा कमाने के चक्कर में सब करता है वैसा, तो वो पैसा कमाने के चक्कर में करता है, उसके फंदा उथी में नहीं फंसिएगा। आपको जहाँ नॉलेज मिलता है, अच्छा सही लगता है, वही नॉलेज लीजिए। और परफेक्ट नॉलेज आपको वही दे सकता है जो उस लाइन से जुड़ा हुआ है, जो एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं, चलिए। तो देखिए, ये अमानत का महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें कुछ सारा बात है सो आप पहले से जानते होंगे, और कुछ बात है सो नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको देखिए हम हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे। समझना बहुत ज़रूरी है, लिखना कोई नहीं है, समझ गए तो सब उसमें आ जाता है। देखिए, 20 फुड़की बराबर एक धुर की और 20 धुर की बराबर एक धुर होता है। तो ये फुड़की क्या है, जिस प्रकार हम समय को नापते हैं, मान लीजिए सबसे छोटा पैमाना हम सेकेंड ले लेते हैं, इसीलिए जमीन का ये सबसे छोटा पैमाना होता है। देखिए, इस वीडियो में हर चीज़ बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसका कितना स्क्वायर फीट होता है, सब हम पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पे हम एकदम ओवरव्यू ले लेते हैं। वाकफ में जो आपको बहुत सारा ओवरव्यू इसमें मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो 20 फुट की बराबर एक धुर के ये छोटा पैमाना है, इससे बड़ा ये पैमाना, जिस प्रकार समय का जो है सेकेंड होता है उससे बड़ा मिनट होता है, उसी प्रकार ये सेकेंड हो गया, ये मिनट हो गया, ठीक है। मिनट के बाद क्या होता है, घंटा होता है, ठीक है। घंटा के बाद क्या होता है, नहीं, मिनट के बाद क्या हो, सेकेंड, मिनट, आइए घंटा, घंटा से बनता है क्या, दिन। तो समझिए ये क्या है, दिन है, दिन से महीना, तो समझिए ये महीना है, इस प्रकार, ठीक है। तो हम आपको बता दें, 20 फुट की बराबर एक धूर, 20 फुट की बराबर एक धूर और 20 धूर बराबर एक कट्ठा, और 20 कट्ठा बराबर एक बीघा होता है। तो ये
अक्सर नॉलेज रहता है, नया जो है आपको ढुलकी और फुड़की लगा होगा। ये छोटा पैमाना है, इसलिए अमीर सब इसका चर्चा भी नहीं करते हैं, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं वो चर्चा करते हैं। ये सब देखिए, बहुत व्यक्ति जो है, अमीन का भी कुछ कुछ कोडिंग वर्ड होता है, वो बहुत व्यक्ति को पता नहीं रहता है। अमीन बहुत सारा अमीन जो है पुराना नॉलेज को घिस रहे हैं, और आपको यहाँ पे अप टू डेट नॉलेज मिलेगा। और मॉडलिंग तरीका से प्रशिक्षण दिया जाता है कि पुराना अमीन सब कुछ दिन के बाद वो जो है ना सो स्लिप कर जाएंगे सब, ठीक है। आज जो नया प्रशिक्षण लेके आएंगे वो सब हीरो बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अब पुराना जमाना गया। आपको देखिए, हम जो छह तरीका से करीब जो है जमीन नापने का टेक्निक बताते हैं और ट्रिक बताते हैं, ठीक है। अब ऐसा ट्रिक बताते हैं कि आपको लगेगा चमत्कार है, ठीक है। तो इस छह तरीका से हम बताते हैं, आगे हम बात करेंगे आपसे। तो देखिए, एक गज बराबर 36 इंच होता है, एक गज में 36 इंच होता है, तो एक गज को हम 3 फीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 36 इंच 3 फीट, क्योंकि एक फीट में होता है 12 इंच, एक फीट में कितना होता है 12 इंच होता है, और एक हाथ में 18 इंच होता है, एक हाथ में, हाथ मतलब ये, ठीक है, एक हाथ में 18 इंच होता है, एक बित्ता में, एक बित्ता, ठीक है, एक बित्ता में 9 इंच होता है, और एक मीटर में 39.37 मीटर होता है, नहीं सॉरी इंच होता है, एक मीटर में 339.37 इंच होता है, एक मीटर का बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, एक कड़ी जो होता है 100 कड़ी का एक जरीब होता है, उसमें जो एक कड़ी रहता है यानी प्रत्येक कड़ी का जो लंबाई रहता है 7.92 इंच होता है, और एक डेग में 33 इंच होता है। डेग मतलब धाप बोलिए, ठीक है, डेग बोलिए, धाप बोलिए, कदम बोलिए, सभी एक ही, तो एक डेग में एक धाप या धाप, ठीक है, नॉर्मल, ये नहीं कि सीधे कूद के लीजिए, नॉर्मल एवरेज वो 33 इंच का होता है। देखिए, अब हम जरीब के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों का गंट्री जरीब चलता है, यानी यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कई क्षेत्र में गंट्री जरीब चलता है, ठीक है। गंट्री जरीब अधिकतर जगह चलता है, 22 जगह कहीं कुछ और चलता है, फतेहपुरी, शाहजहानी, बहुत सारा जरीब होता है। 5 प्रकार का हम जरीब के बारे में बताएं, अगर वो वीडियो हम देखना चाहते हैं और जरीब के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेना चाहते हैं पूरे डिटेल से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे, अभी उस वीडियो को हम अपलोड किए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो एक गंट्री जरीब बराबर होता है, एक गंट्री जरीब यानी गंट्री जरीब को ही चेन बोला जाता है, गंट्री जरीब को ही चेन बोलिए, ठीक है। उसमें 100 कड़ी होता है, 100 कड़ी होता है, ठीक है, और गज में देखेंगे तो 22 गज का होता है, कितना गज का होता है 22 गज का होता है, और फीट में देखेंगे तो 66 फीट का वही जरीब होता है, गंट्री जरीब पे बात कर रहे हैं, कोई और नहीं, गंट्री जरीब, सिर्फ गंट्री जरीब, ठीक है, दूसरा कोई नहीं। 44 हाथ होता है, यानी हाथ में देखिए तो 44 हाथ का होता है गंट्री जरीब, 88 बित्ता का होता है गंट्री जरीब, और डेग में देखेंगे तो 24 डेग का होता है, 24 डेग का होता है, और उसी को गंट्री जरीब को मीटर में देखेंगे तो 20.12 मीटर होता है गंट्री जरीब, एक गंट्री जरीब का लंबाई, यानी 100 एक चेन है जिसमें 100 कड़ी रहता है, उसी पे हम बात कर रहे हैं, कोई और पे नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये ब्रेन में रखना चाहिए सब उसी पे। तो 20.12 मीटर बराबर एक गंट्री जरीब, और 100 कड़ी बराबर एक गंट्री जरीब होता है, 100 कड़ी बराबर एक गंट्री जरीब होता है, और 792 इंच, अगर इंच में देखेंगे, कड़ी में तो देख लिए, 100 कड़ी बराबर एक चेन बोलिए, गंट्री जरीब बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो उसका नाम है अलग रूप से, तो 792 इंच बराबर एक जरीब होता है गंट्री जरीब में, 792, अगर पूरे 100 कड़ी को नापेंगे ना 792 इंच आएगा आपको, तो 792 इंच बराबर एक जरीब, ठीक है। ये तो समझ लिए, आप देखिए अभी जो बता रही है इंपोर्टेंट है, इसका यूज करने के लिए आपको जो है बहुत सारा चीज सीखना होता है। ये ट्रिक है, छह तरीका से आप अमीन का कैसे नापे करता है समझ, यहां से भी आप समझ सकते हैं, समझ गए, करीब 150+ क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं मैथ में, 150+ क्वेश्चन को इसको मैथ लगर के पढ़ाते हैं, ठीक है, वो मैथ को एकदम मैथ जो है उसको लगेगा कि मतलब पूरा एकदम लगर के पढ़ाते हैं, 150+ क्वेश्चन मैथ का सिर्फ हम प्रशिक्षण देते हैं तो पढ़ाते हैं, हम 45 दिन के प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं, 6 महीना 1 ईयर के बारे में, वो तो बहुत ही लंबा चलता है उसका प्रोसेस, आप 45 दिन परफेक्ट, ठीक है, हम 3 प्रकार का कोर्स कराते हैं, 45 दिन, 6 मंथ और 1 ईयर का, ठीक है।
तो जल्दी आप अमीन का काम करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो 45 दिन परफेक्ट है आपके लिए। आप अपना सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अमीन का यानी अमानत का यानी पेमेंट भी आप कर सकते हैं। आप बोलिएगा 45 दिन में सीख जाएंगे, सीख जाएंगे, अच्छा से सीख जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ हम सीख लाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, थ्योरी हम प्रैक्टिकल कराते हैं, उसका आपको दिखाए होंगे कि मेरे पास स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिकल करता है, वो भी वीडियो डाले हैं, ठीक है, वो भी वीडियो डाले हैं मेरे चैनल पे है, होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 193.6 वर्ग हाथ बराबर एक डिसमिल होता है, ये 193.6 वर्ग हाथ बराबर एक डिसमिल। देखिए अलग अलग पैमाना में डिसमिल का ही मान हम बताएंगे, ठीक है। देखिए 435.6 वर्ग फीट में, फीट में, अरे वर्ग को स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसको 435.6 स्क्वायर फीट बराबर एक डिसमिल भी बोल सकते हैं। तो आप जैसे बोले 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल हो गया, और 40.48 वर्ग मीटर बराबर भी एक डिसमिल होता है, एक डिसमिल होता है, 48.4 वर्ग गज बराबर भी एक डिसमिल होता है, 48.4 वर्ग गज बराबर भी एक डिसमिल होता है, 57.6 वर्ग डेग बराबर भी एक डिसमिल होता है, और 1000 करी बराबर भी एक डिसमिल होता है, और 10 जरीब यानी 1000 यहाँ पे जो है वर्ग छूट गया है, तो 1000 स्क्वायर करी बराबर एक जरीब या 1000 वर्ग करी बराबर भी एक जरीब है। तो यहाँ पे वर्ग लिखिएगा, ठीक है, मिस हो गया है, इतना समझे। अब देखिए 10 वर्ग, 10 जरीब वर्ग, 10 वर्ग जरीब बराबर भी एक डिसमिल होता है, 10 स्क्वायर जरीब बराबर भी एक क्या होता है, एक डिसमिल होता है, यानी ये जो मान जो है ना 10 जरीब का मान है, कितना जरीब का, 10 जरीब का मान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत सारा चीज़ कंफ्यूज कर जाते हैं, कहीं भी देख लेते हैं तो डर जाते हैं, देख के डर जाते हैं। देखिए 2178/5 वर्ग फीट बराबर भी एक डिसमिल होता है, 2178/5 वर्ग फीट बराबर भी एक डिसमिल होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 5 से 2178 में भाग देंगे तो यहाँ जो बताए हैं फीट में 435.6 वही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी नहीं था, उसलिए हम नहीं लिखे, नहीं तो लिख के आपका समय भी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जितना से जितना छोटा वीडियो हो बने, ठीक है, और छोटा वीडियो में आपको हर चीज़ बता दे, हम उसने हम स्पीड बढ़ा के रखते हैं, अपना स्पीड बढ़ा के सकते हैं जिससे कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। देखिए 242.5 वर्ग गज बराबर एक डिसमिल, 242/5 वर्ग गज बराबर एक डिसमिल, जब इसको भाग करेंगे तो गज में जो बताए हैं ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखते होंगे ये आ जाएगा, ठीक है, और 968/5 वर्ग, 968/5 वर्ग हाथ बराबर, वर्ग हाथ बराबर एक डिसमिल होता है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हाथ में बताएं तो याद ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 247 डिसमिल बराबर एक हेक्टेयर होता है, 247 डिसमिल बराबर होता है एक हेक्टेयर होता है, और 100 डिसमिल बराबर एक एकड़ होता है, 100 डिसमिल बराबर एक एकड़ होता है। एकड़ का मान हर जगह धूर काटा बीघा में अलग अलग होता है, आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में बताएंगे, बहुत लंबा हो जाए, उसमें बहुत सारा, उसमें हम चले इसको पहले बता देते हैं। देखिए 100 डिसमिल बराबर एक एकड़ होता है, और एक हेक्टेयर बराबर यानी एक हेक्टेयर या हेक्टेयर बोलिए, ठीक है, इसको ही बोला जाता है हेक्टोमीटर भी, ठीक है, तो एक हेक्टेयर वाला 10,000 वर्ग मीटर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर मीटर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर या 10,000 वर्ग मीटर बोलिए, ठीक है, ये एक हेक्टेयर के बराबर होता है। देखिए हम जो है सो आपको करी को फीट में कैसे चेंज किया जाता है, फीट को करी में कैसे चेंज किया जाता है, धूर को कट्ठा में कैसे चेंज किया जाता है, धूर को डिसमिल में कैसे चेंज किया जाता है, धूर कट्ठा बीघा को धूर कट्ठा बीघा फिर डिसमिल में कैसे बदला जाता है, यानी कई प्रकार से घुमा फिरा के मतलब अमेठ उमेठ के मतलब पूरा जटिल से जटिल तरीका को भी सोल्व बना के हम आपको दिखलाते हैं। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि 150+ अमीन का मैथ का क्वेश्चन कोई नहीं है, एक ही टाइप, अरे बोलिएगा टाइप छोड़िए, आपको बहुत अलग अलग तरीका से बताया जाता है, ठीक है। देखिए अगर आप जो है अमीन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं 45 दिन, सिक्स मंथ यानी 45 डेज या 6 मंथ या 1 ईयर वर्ड का
अगर 1 ईयर का, 1 साल का अगर आप इनका प्रशिक्षण डिप्लोमा टाइप कोर्स करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुकिंग का लिंक दिया होगा, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, मेरे वेबसाइट वाला तो खुल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्म होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको भर दीजिए, उसके बाद आपका बुकिंग हो जाएगा और आपको आसानी से जो है, मेरा क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, ठीक है, आपको जो सुविधा होगा वो किया जाता है, ठीक है। तो अगला वीडियो हम देखेंगे कि बहुत सारा और सूत्र हैं, अगला वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, ठीक है। अगला सूत्र में तो कुछ और चीज़ है जो बेसिक है वो बता देंगे और उसके बाद सूत्र का काम खत्म होगा। उसमें थोड़ा क्वेश्चन भी हम ले लेंगे कि क्वेश्चन कैसे बैठाया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।